दोस्तों, मैं श्रेष्ठ हूँ यह मेरा आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह एक अहंकार है। तो दोस्तों, अपने अहंकार को दूर रखिए और अपने कर्म के प्रति ईमानदारी रखिए, अपने आप खुद ब खुद आप श्रेष्ठ बन जाएंगे। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन की 86 में। दोस्तों, रुख करते हैं बिहार के जिला मुजफ्फरपुर की तरफ, क्योंकि यहाँ बिहार पंचायती राज विभाग की तरफ से जो लेखापाल आईटी सहायक की भर्ती निकली थी उसका ज्वाइनिंग लिस्ट आ चुका है फाइनल। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिनका भी लिस्ट में नाम है वो प्लीज़ जाके अपने BDO ऑफिस में योगदान करें। दोस्तों, इसकी सारी जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा अंत तक। और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जाएं तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों, बेल के आइकन को जरूर दबा लीजिएगा और आज के दिन भर में जो 3 वीडियो मैंने अपडेट किए हैं आप लोगों के लिए, उन 3 वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, हो सकता है कि ये आपके काम आ सके। दोस्तों, जितनी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन दिया है मैंने, उस नोटिफिकेशन को भी देखिए, हो सकता है कि 2-3 दिन पहले हो और आपको पता ना चला हो, तो उन सभी वीडियोस को देखिए जहां पे रिक्रूटमेंट की बातें की गई हैं, तो उस वीडियो को देखें और अप्लाई करें जाकर, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो। चलिए, हम लेकर चलते हैं अब आपको मुजफ्फरपुर जिला के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और वहाँ पे आकर आपको रिक्रूटमेंट वाले पेज पे जाना होगा। मैं लिंक दे दूंगा, सीधा आप डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको सारा लिंक मिल जाएगा इस पे आने के लिए। दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पे पंचायती राज डिपार्टमेंट का ये वैकेंसी था, रिक्रूटमेंट नोटिस लिस्ट फॉर द कैंडिडेट द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट के लिए। तो चलिए इसको डाउनलोड करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये कल का ही अपडेट है शाम का, और इसे हम लोग डाउनलोड करेंगे। ये करीब 5 MB की फाइल है, तो मैं इसमें जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो आपको बता देना चाहूँगा, और आपको जो करना है आप अपने हिसाब से जरूर कीजिएगा और जाइएगा जरूर अपने BDO ऑफिस में योगदान करने के लिए। चलिए इसको डाउनलोड करते हैं। दोस्तों, क्लिक करके यहाँ पे सामने आपके लिए डाउनलोड कर रहा हूँ मैं। दोस्तों, ये आपके सामने डाउनलोड होकर आ चुका है, और आपको बता दें कि आज दिनांक 24/6/2019, ये देखिए 24/6/2019 के 11:30 जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग का एक बैठक हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ लेखापाल IT सहायक की नियुक्ति का बातें की गई हैं। दोस्तों, ये 24 जून को ये सारा बैठक हुआ था, उसमें लेखापाल सहायक की जो भर्ती के लिए यहाँ पे आवेदन किए गए थे उनमें से कुछ कैंडिडेट के, लगभग बता रहा हूँ आपको मैं, 392 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पे सिलेक्शन किया गया था। अब मैं ये सारा डिटेल आपको दिखला देना चाहता हूँ यहाँ पे, ये देखिएगा यहाँ पे 96 रिक्तियाँ पाई गई हैं। कितने? तो 337 पदों के लिए, माफ कीजिएगा 337 है, 392 नहीं है। 337 पदों का अभ्यर्थी का काउंसलिंग हेतु बुलाया गया, जिसमें कि 297 अभ्यर्थी जो थे यहाँ पे प्रेजेंट हुए थे। उसके अलावा 40 अभ्यर्थी जो थे यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो पाए थे, अनुपस्थित थे यहाँ पे। काउंसलिंग हेतु जो चयन किया गया था उसके अनुसार कुल 96 पदों की भर्ती के लिए यहाँ पे विरुद्ध में दोगुना कैंडिडेट को यहाँ पे कॉल किया गया, जिनमें कि 96 अभ्यर्थियों के विरुद्ध 63 अभ्यर्थी जो थे सत्यापन करने का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है उनको, और जिनको भी ये सत्यापन करने का, इन 63 विद्यार्थियों का यहाँ पे सत्यापन करने का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, वो सत्यापन प्रतिवेदन 49 अभ्यर्थियों का शैक्षण प्रमाण पत्र जो है यहाँ पे सही पाया गया है, और इनमें से 14 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अप्रमाणित प्रतिवेदित पाए गए हैं। तो यहाँ पे करीब 49 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है फाइनली। अब मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका इस लिस्ट में नाम है, उनका रोस्टर नंबर है, उनका फिर ये इनका जो क्रमांक नंबर है, उनका नाम है, उनके पिता का नाम है, और उनका मोबाइल नंबर है, ये सारा डेटा जो है आप देख सकते हैं। और यहाँ से जिनका भी नाम है लिस्ट में वो जाएं और अपना वहाँ पे सत्यापन करें, अपनी नौकरी को लें। यहाँ पे बहुत अच्छी पोस्ट है ये, और इस पूरे पोस्ट को देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पूरा लिस्ट देख लीजिएगा, 10-10 करके पूरा टेबल बनाया गया है उन अभ्यर्थियों का, ये कैटेगरी वाइज है, ठीक है, कौन से कैटेगरी में कितने हैं, जैसे कि यहाँ पे पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला का मेगा सूची है, ऐसे ही करके सारा डिटेल जो है आप देख सकते हैं नीचे तक। और ये टोटल 49 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, पर आपको यहाँ पे कुछ शर्तें बताई गई हैं, उन शर्तों को जानना बहुत अनिवार्य है। तो चलिए बताते हैं क्या क्या है वो शर्त आखिर यहाँ पे। तो पहला शर्त का बात करूंगा दोस्तों कि
ये जो वैकेंसी है आपका ये 31 मार्च 2020 तक का आपका मान्य दे होगा, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है और 2020 मार्च तक आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। पर आपका अगर यहाँ सिलेक्शन होता है तो आपकी संविदा बढ़ाई भी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ से बाहर नहीं किया जाएगा, आपके अगले प्रोजेक्ट में या फिर अगले इस प्रोजेक्ट में ही आगे की ओर आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा। ओके, ऐसा अभी तक ये हुआ है इन विभागों में, इसलिए यहाँ पे ऐसा मत सोचिएगा कि 2020 के बाद आपको बाहर कर दिया जाएगा। ओके, दूसरा यहाँ पे सैलरी की बात की गई है दोस्तों। जो भी लेखापाल सहायती सहायक के लिए यहाँ पे ज्वाइन करेंगे उनको 20,000 रुपये प्रति महीने जो कि अनुमान्य होगा समय समय पर वित्त विभाग के जरिए ये दिया जाएगा इनको। तो 20,000 रुपये की सैलरी है यहाँ पे स्टार्टिंग, बहुत अच्छी पोस्ट है। आपने ही जिले में अगर करना है जॉब तो 20,000 रुपये सैलरी बहुत होता है। मानदेय के आधार पर चयनित ये कर्मी ना तो सरकारी सेवक माने जाते हैं और ना ही ये सरकारी सेवकों के अनुमान्य के लिए जो भी इनको सुविधाएं होती है सरकारी सेवकों को वो दी जाती है। तो ये तो संविदा का है, सब कोई जानता है हाल, यहाँ पे आप सरकारी नौकर नहीं है पर सरकार के लिए काम करेंगे। अगला है यहाँ पे कि मानदेय आधारित चयनित कर्मियों की चयन की अवधि जो है 31 मार्च 2020 समाप्त हो जाएगा। उसका विस्तार नहीं होता है तो वैसे भी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसके लिए देखिए यहाँ पे अगर ये आपका अवधि समाप्त विस्तार नहीं किया गया तो ये समाप्त तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, पर अगर ये अवधि को बढ़ाया गया तो आपका ये जॉब भी चलता रहेगा। ओके, अगला देखते हैं, किसी प्रकार की तकनीकी एवं गलत स्वभाव या प्रमाणित हुए यानी कि आपने कुछ गलती की तो उसका आपको इस जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है, ऐसा ये बोला जा रहा है। दूसरा शर्त है यहाँ पे दोस्तों, अगला शर्त जो है वे अपने संबंधित पदाधिकारी द्वारा सौंपे गए कार्यों को अगर अनुपालन करके उन्हें सुनिश्चित नहीं करेंगे तो भी उनको इस जॉब से बाहर किया जा सकता है। इस नोटिस को 1 माह का नोटिस देकर पहले ही आपको हटाने की पूरी अधिकारी रूप से यहाँ पे बातें की गई हैं। तो आप कोई गलती ना करेंगे, ये अपने कार्य को ईमानदारी से करेंगे तो जरूर आप कहीं ना कहीं श्रेष्ठ बने रहेंगे, और श्रेष्ठ बने रहिएगा तो ये आपका एक आत्मविश्वास बना रहेगा। दोस्तों अगला है यहाँ पे कि योगदान के समय सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और मूल के सभी जितने भी आपके कागजात हैं वो लेकर जाना है योगदान करने के समय। अब असैनिक शल्य चिकित्सक एवं सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत जांच प्रतिवेदन योगदान के समय प्रस्तुत करना है। अब ये शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के पास जाना है आपको, यानी कि जो आपके जिला का है मुजफ्फरपुर का, उनको जाके योगदान देना है। संविदा के आधार पर नियोजित उपरोक्त अभ्यर्थी की सरकारी सेवा में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा, मैंने आपको पहले भी बताया है। और उपयुक्त क्रमांक 1 से लेकर 8 तक के सभी बिंदुओं को संबंधित एक आपका बॉन्ड साइन किया जाएगा जो कि 1 साल का होगा, और ये बॉन्ड में आपको ये सारी चीज़ों पर सिग्नेचर करना होगा कि आप ये गलतियां नहीं करेंगे। इसके अलावा यह चयन की जो कोई त्रुटि पाता है आपके चयन होने में बाद में, अगर मान लो कि आप जॉब कर रहे हो और जॉब में पाया गया कि आपका डॉक्यूमेंट सारा फर्जी था तो आपको उसी समय यहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, जिला पंचायती राज पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के द्वारा इसका दायित्व दिया गया है, इसलिए आप अपने कार्य को ईमानदारी से करें और अपने डॉक्यूमेंट्स भी ईमानदारी से ले जाएं, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल मत ले जाएं, जॉब के चक्कर में आप लफड़े में पड़ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये सारी जानकारी देनी थी मुझे इस वीडियो के माध्यम से, क्या क्या थी शर्तें मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर दिया है। और जैसे ही आप नीचे आएंगे ये उन सभी कैंडिडेट का, जितने 337 कैंडिडेट का लिस्ट है जिसमें कि उनको सेलेक्ट किया गया था, और इनमें से 49 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पे ज्वाइनिंग लिस्ट फाइनल बनाकर दे दिया गया है। ओके दोस्तों, तो मैं इन 49 लड़कों को बधाई देता हूँ और आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इन तक भेजने की कोशिश करें ताकि इन सबको इसका न्यूज़ चला जाए, पता चल जाए। वैसे तो इनको कॉल किया जाएगा विभाग के द्वारा और इनको बुलाया जाएगा, पर अगर वो नहीं देख पा रहे हैं तो उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा तो पहुंच जाएगा आपके एक छोटे से योगदान से। तो बिहार के जितने भी ग्रुप हैं, फेसबुक पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, उन तक ये वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी लेखापाल सह आईटी सहायक की, जिसका भी नाम लिस्ट में है वो जाके अपने बीडीओ ऑफिस में वहाँ पे योगदान करें, सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं और जितने भी डॉक्यूमेंट्स के नाम बताए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर जरूर से जरूर जाइएगा। तो आज के इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।